नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। आज का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 मार्च 2018 करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको दो दिन वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाया टाइम पे, तो मैं कहीं काम से बाहर गया हुआ था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी दोस्तों से। तो आज का हमारा जो नेशनल इंटरनेशनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 मार्च 2018 का जो वीडियो बनेगा वो, और 17 का भी मैं आपको जल्दी ही 17-18 कल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इसकी PDF फाइल वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ें, तो ताकि आपको वहां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा। देखिए, इसमें 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2018 को मणिपुर में आयोजित 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 16 से 20 मार्च 2018 को इंफाल स्थित मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित हो रही है। इसका जो विषय है 2018 का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सारे अगमे तक पहुँच, मतलब जो रिएक्टिंग द अनरिच्ड थ्रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सारे अगमे तक पहुंचे, इसका विषय है इसका। अगला देखिए, हरियाणा, हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा विधानसभा ने 15 मार्च 2018 को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित कर 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को मृत्युदंड फांसी का प्रावधान किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा मध्य प्रदेश व राजस्थान के बाद तीसरा राज्य है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2018 जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये जारी करता है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2018। विश्व में सबसे सस्ते शहर हैं वो दमसिक है, फिर कराकस है, अलमाती, लागोस, बेंगलुरु, कराची, अल्जीरियस, चेन्नई, बुखारेस्ट और नई दिल्ली, ये 10 जो सिटी हैं वो विश्व में सबसे सस्ते शहर हैं। बाकी विश्व के सबसे महंगे शहरों की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सबसे महंगा शहर है सिंगापुर, फिर पेरिस है, ज्यूरिक है, हांगकांग है, ओस्लो, जिनेवा, सियोल, कोपेनहेगन, तलाइवा और सिडनी, ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे महंगे शहर हैं और सस्ते, विश्व के सबसे शहरों में ही है। ओके, अगर देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो ऊर्जा संक्रमण का जो सूचकांक है वो कौन है, WEF विश्व आर्थिक मंच लॉन्च करता है। शीर्ष देश है स्वीडन पहले स्थान पे, नॉर्वे दूसरे पे, स्विट्जरलैंड तीसरे पे, चौथे फिनलैंड और पांचवें डेनमार्क है। भारत इसमें 78वें स्थान पर है, चाइना 76वें स्थान पे है और कुल इसमें कंट्री है वो 114 है, 114 कंट्री है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 78वां स्थान है, पहला स्वीडन का है। आगे देखिए कन्नौर, कन्नौर लोकेश जो राहुल है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कन्नौर लोकेश राहुल को विजडन इंडिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चयनित किया गया है। विजडन इंडिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको चुना गया है, कन्नौर लोकेश राहुल को। आगे देखिए नवीनतम फीफा रैंकिंग, अभी नवीनतम न्यू है वो फीफा की रैंकिंग जारी की, फीफा द्वारा मार्च 2018 में जारी की गई नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत को 99वें स्थान मिला है, प्राप्त हुआ है। 2017 में भारत की रैंकिंग 96 थी, 2018 में तक भारत 102वें स्थान पर था, पहले स्थान पर जर्मनी, दूसरे ब्राज़ील है और तीसरे स्थान पर पुर्तगाल है इसमें, और अब भारत को 99वां स्थान मिला है, 99। अगला क्वेश्चन है संघ गौरव, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्लोन प्रौद्योगिकी द्वारा, सॉरी सच गौरव है ये, सच गौरव, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्लोन प्रौद्योगिकी द्वारा पहली बार अश्मिया नस्ल की भैंस के बच्चे का जन्म कराने में सफलता का दावा किया है। क्लोनिंग द्वारा जन्मे इस बच्चे का नाम सच गौरव रखा गया है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 मार्च का 2018 करंट अफेयर था। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।